इवनिंग एवरीवन, हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ ही लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन हिमाचल जीके के भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पास्ताज आर टेम्परेट ग्रास लैंड इन पास्ताज शीतोष्ण घास स्थल कहाँ पर स्थित हैं? तो पास्ता शीतोष्ण घास स्थल हंगरी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज सियाम, सियाम पहले किस देश का नाम था? तो सियाम पहले किस देश का नाम था? सियाम जो था वो थाईलैंड का पुराना नाम था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। हवाइन आइलैंड आर लोकेटेड इन, हवाइन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो हवाइन द्वीप जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट ए ट्यूबर क्रॉप, इनमें से क्या एक कंद फसल नहीं है? तो मूँगफली एक कंद फसल नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 56 देखिए, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? चाइना सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया का छत जो है वो पामिर पठार को कहा जाता है, द पामिर प्लेटो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज पुष्कर लेक लोकेटेड, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, राजस्थान में पुष्कर झील स्थित है। विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? तो ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से बहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ताप्ती नदी। भारत के कौन से क्षेत्र में ठंडी के जनवरी महीने में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है? तो पंजाब में जनवरी महीने में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पंजाब। नेक्स्ट देखिए, द गांधी सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन भिच रिवर, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? ये चंबल नदी पर बना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लैक इज प्रोड्यूस्ड इन, लाख का उत्पादन होता है, तो लाख का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो लाख का जो सबसे अधिक उत्पादन है होता है, या लाख का जो उत्पादन होता है वही कहाँ पर होता है? झारखंड में इसका उत्पादन होता है। द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, भारत का सर्वाधिक चाय का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है, आसाम में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 66 देखिए, दिग्बोई इज फेमस फॉर, तो दिग्बोई किसके लिए फेमस है? दिग्बोई जो है वो ऑयल फील्ड्स के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑयल फील्ड्स। एशिया फर्स्ट विंड फार्म इज लोकेटेड इन, एशिया का पहला विंड फार्म कहाँ स्थित है? तो एशिया का जो पहला विंड फार्म है ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गुजरात। द टिडल पोर्ट इज, तो ज्वार भाटा बंदरगाह है, कांडला है, पारदीप है, तुतिकॉर्न है या मैंगलोर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांडला। नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि एक्सप्रेस रन्स बिटवीन, तो गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हावड़ा से मुंबई। नेक्स्ट देखिए, 70 क्वेश्चन, रौरकेला स्टील प्लांट वाज बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद, तो रौरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो किसके सहयोग से बना है? तो रौरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो बेस्ट जर्मनी के सहयोग से बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज, अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला थी, तो अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो वैलेंटिना टेरेस्कोवा थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वैलेंटिना टेरेस्कोवा। जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विद, जुबिन मेहता किससे संबंधित हैं? तो जुबिन मेहता जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ये म्यूजिक से संबंधित हैं। ऑप्शन बी म्यूजिक। द वेल नोन इंडियन कार्टूनिस्ट इज, प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट कौन से हैं इनमें से? तो प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट जो हैं वो आर के लक्ष्मण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 73 का ऑप्शन ए। मालविका सरुकोई इज फेमस एक्सपोनेंट ऑफ, तो मालविका सरुकोई किससे संबंधित हैं? कथक से, उड़ीसी से, कुचिपुड़ी से या फिर कथकली से? ये सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। मालविका सरुकोई जो है वो किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये आप याद रखिएगा, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। विच इज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, भारत में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो
तो भारत में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 76 क्वेश्चन, द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद, तो ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध जो है वो किससे है? तो ग्रैंड स्लैम शब्द जो है उसका संबंध लॉन टेनिस से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंडिया मेड हर डेब्यू इन ओलंपिक फुटबॉल एट, भारत ने पहली बार ओलंपिक फुटबॉल में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार लंदन 1948 में ओलंपिक में भाग लिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लंदन 1948 में भारत ने ओलंपिक खेलों में फुटबॉल में भाग लिया। द रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विथ, रोवर्स कप किस से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, गोल्फ से या टेनिस से? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। रोवर कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, आप इसके बारे में याद रखिएगा। रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। माया मेम साहब इज ए फिल्म डायरेक्टेड बाई, माया मेम साहब का निर्देशन किसने किया? तो माया मेम साहब फिल्म का निर्देशन किसने किया था? ये किया था केतन मेहता ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, केतन मेहता। इन विच ईयर वॉज दी ऑल इंडिया रेडियो सेटअप, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1947, बी 1950, सी 1927, डी 1936। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सैड मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, किसने कहा था इंसान एक राजनीतिक जानवर है? तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था इंसान एक राजनीतिक जानवर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लाइफ डिवाइन बुक वॉज रिटन बाई, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है वो श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, श्री अरविंदो। 3 बीघा लीज बाई इंडिया टू बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ, 3 बीघा पट्टा जो भारत द्वारा बांग्लादेश को दिया गया था वो किसका हिस्सा था, किस राज्य का वो हिस्सा था? तो वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84th, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? ये पुणे में स्थित है, पुणे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85th, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पोप इज एट, पोप का आधिकारिक निवास स्थित है, तो पोप का आधिकारिक जो निवास है वो कहाँ स्थित है? ये वेटिकन सिटी में, वेटिकन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विच इज एन एलिमेंट, इनमें से क्या एक तत्व है? तो इनमें से क्या एक तत्व है? डायमंड एक तत्व है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, डायमंड। नेक्स्ट देखिए, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू फीवर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी फंगाई, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। तो डेंगू फीवर जो है किसके कारण होता है? ये होता है आपके वायरस के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वायरस के कारण। हु इन्वेंटेड द लिफ्ट, तो लिफ्ट की जो आविष्कार है वो किसने किया? आई एल बेयर्ड ने किया, या फिर टी ए एडिसन ने, या फिर ई जी ओटिस ने, या फिर माइकल फेरेडे ने? तो लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? लिफ्ट का जो आविष्कार है वो ई जी ओटिस ने किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इजी ओटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इट, एक अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है उसके, तो अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है उसके परावर्तन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रिफ्लेक्ट से। ऑप्शन बी, शिवालिंग पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, ये हमारा एचपी जीके शुरू हो गया, यहाँ से कुछ क्वेश्चन एचपी जीके के भी देख लेते हैं 4-5। तो शिवालिंग दर्रा कहाँ स्थित है? शिवालिंग दर्रा जो है किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, किन्नौर। हरगरन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, कुछ जगह हंगरेंग पीक लिखा होता है कुछ बुक में, कुछ जगह हरगरन लिखा होता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। हरगरन पीक जो है कहाँ लोकेटेड है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108, विच इज़ द रिमोटेस्ट हिमालयन वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सबसे दूरस्थ हिमालय वैली कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे दूरस्थ हिमालय वैली है वो स्पीति वैली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
विच इज़ दी लार्जेस्ट ग्लेशियर इन HP, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये तो आप सबको पता ही है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो बड़ा सिगड़ी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बड़ा सिगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर लीव्स डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ HP एट मिर्थल टू एंटर पंजाब? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मिर्थल को छोड़कर पंजाब में जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्यास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्यास नदी जो है कांगड़ा जिले के मिर्थल को छोड़कर पंजाब में जाती है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर सेक्रेटरीट से जुड़े और क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 25 से 30 वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।